दोस्तों आईपीएल का सीजन चल रहा है और पूरा एक वर्ग, जी हाँ वही क्रिकेट प्रेमी वर्ग जो मैच शुरू होते ही स्क्रीन से चिपक जाता है, इसी में एक वर्ग और है जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है स्टेडियम में नहीं बल्कि वही फोन स्क्रीन में। जी हाँ, अब इसी खेल में दो चार पैसे भी कमा लें तो क्या नुकसान। पिछले साल ही उत्तर प्रदेश के एक युवक ने ड्रीम इलेवन पर करीब 2 करोड़ रुपए जीत लिए। आईपीएल का एक क्रेज भले ही खत्म हो जाए दोस्तों, लेकिन ड्रीम इलेवन का क्रेज कभी खत्म नहीं होता। टीवी पर आपने एड भी देखा होगा जिसमें महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पर लगाओ ना। अब एक ऐप इतने बड़े बड़े क्रिकेटर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के लिए हायर कर रही है तो फिर इनकी कमाई भी काफी मोटी होगी। कैसे ड्रीम इलेवन कुछ सालों में ही एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों अगर आपको क्रिकेट में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो आपने ड्रीम इलेवन का नाम जरूर सुना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रीम इलेवन देश की पहली क्रिकेट फैंटेसी कंपनी है और इसके साथ ही साथ देश की पहली गेमिंग यूनिकॉर्न भी। जी हाँ, इतना ही नहीं, ड्रीम इलेवन आज दुनिया भर की फैंटेसी कंपनियों में भी टॉप पर है। खेल का रोमांच अपने आप में फैंटेसी का रोमांच देता है, लेकिन बात जब फैंटेसी स्पोर्ट्स की हो तो इसका मजा दोगुना हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि ड्रीम इलेवन स्टार्टअप ने कैसे सक्सेस हासिल की। आज ज्यादातर युवा दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स के दीवाने हैं। आज स्पोर्ट्स लवर सिर्फ ऑडियंस में बैठकर मैच देखने की बजाय अपनी पसंद की एक फैंटेसी टीम भी बना सकते हैं, और अगर आप इस फैंटेसी टीम के साथ अच्छा खेलते हैं तो आप अच्छा खासा प्राइज भी जीत सकते हैं। यही मौका ड्रीम इलेवन स्पोर्ट्स लवर्स को दे रहा है। जी हाँ, और आज भारत में जिस तरह स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आया है, इसी वजह से इस तरह की फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री भारत में खूब रही है। और इसी फैंटेसी गेमिंग को लेकर मशहूर ड्रीम इलेवन बता दें कि यूनिकॉर्न क्लब में एंटर करने वाली पहली इंडियन गेमिंग कंपनी बन गई है। मुंबई में शुरू किए गए इस स्टार्टअप की सक्सेस की अपनी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे भारत की टॉप 10 इनोवेटिव कंपनीज में से एक के तौर पर मान्यता मिली है। आइए ड्रीम इलेवन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी टीम बनाने की फैसिलिटीज देता है। यहाँ यूजर्स अपनी टीम में सिलेक्टेड खिलाड़ियों के एक्चुअल मैच परफॉर्मेंस के बेसिस पर पैसा कमा सकते हैं। खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से यूजर्स को कैश रिवॉर्ड मिलते हैं। इसके अलावा ड्रीम इलेवन अपने यूजर्स को क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के साथ गेम खेलने की फैसिलिटी भी देती है। ऐसे में जिन लोगों के लिए खेल वाकई जुनून है और जिन्हें खेल का बहुत अच्छा ज्ञान भी है, उनके लिए ड्रीम इलेवन एक ऐसा मंच है जो ऐसे खेल प्रेमियों को खेल के लिए अपने इंटेलिजेंस और प्रेम को दिखाने का मौका देता है। अगर हम इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की माने, इसके मुताबिक वर्तमान में ड्रीम इलेवन के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। आज ड्रीम इलेवन भारत के सबसे बड़े स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और इसने 2020 में सक्सेसफुली 100 मिलियन यूजर्स रजिस्टर्ड भी किए थे, जो 2021 में बढ़कर 140 मिलियन हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि साल 2016 में रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या सिर्फ 2 मिलियन थी। जी हाँ, अब आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों आज हर्ष जैन जो ड्रीम इलेवन के सीईओ हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए। ड्रीम इलेवन के साथ उनका विजन कुछ रियल टाइम मॉड्यूल के साथ स्पोर्ट्स फैन का एंटरटेनमेंट करना है। हर्ष के अलावा ड्रीम इलेवन के को फाउंडर भावित सेठ हैं। भावित सेठ बेंटली यूनिवर्सिटी से एमबीए और हार्वर्ड से ई कॉमर्स में डिप्लोमा के साथ इंजीनियर हैं। भावित ने 2008 में हर्ष के साथ ड्रीम इलेवन का को फाउंडिंग की और कंपनी के सीओओ भी हैं। हर्ष जैन मुंबई में ही पले बड़े, 10वीं तक पढ़ाई यहीं की, फिर 11वीं और 12वीं के लिए वो यूके चले गए। इसके बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से ग्रेजुएशन किया और जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, बचपन से ही उन्हें काफी दिलचस्पी थी। बता दें कि जब वो अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहे थे तब उन पर फुटबॉल का खुमार था। वहां वो फैंटेसी फुटबॉल खेला करते थे। कुछ सालों बाद जब भारत में आईपीएल की शुरुआत हुई तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना क्रिकेट में भी कुछ शुरू किया जाए, और बस यहीं से उन्होंने ड्रीम इलेवन के कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। बता दें कि हर्ष और भावित बचपन के दोस्त हैं। साल 2008 में जब हर्ष के दिमाग में फैंटेसी क्रिकेट का आइडिया आया तो उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन लोगों में से सिर्फ भावित ही उनके साथ काम करने के लिए तैयार हुए। इसके बाद दोनों ने मिलकर ड्रीम इलेवन की नींव रखी, और जहां तक दोनों की रोल की बात है तो भावित कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी सीओओ हैं और वो ऑपरेशन का काम संभालते हैं। वहीं हर्ष टेक, प्रोडक्ट डिजाइन और मार्केटिंग का काम देखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि शुरू होते ही आइडिया चल पड़ा। इस कंपनी को भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी मुसीबतों से भरी होती है, कुछ भी आसानी से हासिल नहीं होता। उसी तरह इनकी भी शुरुआत थी, और सबसे पहले इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना जिसे लोग पसंद करें। ये काम उन्होंने पूरा किया, फंडिंग की दिक्कत होने लगी, इसके बाद ग्रोथ और मार्केटिंग की चुनौती उन्हें फेस करनी पड़ी। धीरे धीरे ड्रीम इलेवन की टीम 2 लोगों से बढ़कर 1000 तक पहुंच गई। इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहना और एफिशिएंसी बनाए रखना भी अपने आप में दोस्तों एक चुनौती है।
बता दें कि ड्रीम 11 की शुरुआत में तो इनकी फैमिलीज ने ही इन्हें सपोर्ट किया और उन्हीं के पैसों से इन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया। साल 2008 से 2015 तक यानी 7 साल तक ड्रीम 11 की फैमिली ने ही पैसे इन्वेस्ट किए। इसके बाद ही दोनों ने बाहर से फंडिंग करने का सोचा। हर्ष और भावित के मुताबिक उन्हें यह साबित करना था कि इसमें सिर्फ परिवार का पैसा नहीं लगा है, बाहर के इन्वेस्टर्स भी उनकी कंपनी पे भरोसा करते हैं। इसके बाद उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट से फंड रेज करने शुरू किए। हालांकि जब ड्रीम 11 के इन्वेस्टमेंट सीरीज ए खत्म हुई तब उन्हें लगा कि इन्वेस्टर्स ड्रीम 11 में भरोसा करते हैं। इसके बाद सीरीज डी में उन्हें यूनिकॉर्न का टैग मिला तो सभी ने इस पर यकीन कर लिया कि कंपनी अब स्टेबल हो गई है। अब ऐसे दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ड्रीम 11 का मॉडल काम कैसे करता है, क्या ये वाकई गेम ऑफ स्किल है या गेम बाय चांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह ऐप आपको एक बेहतर सिलेक्टर बनाने का मौका देता है। जी हाँ, हर टीम में एक सिलेक्टर कमेटी होती है जो 30 से 40 प्लेयर्स में से कुछ को सिलेक्ट करती है। इसमें बहुत स्किल की जरूरत होती है, मसलन कौन से पिच पर वेदर के हिसाब से किसे बॉलिंग या बैटिंग करनी चाहिए, किस ओपोनेंट के खिलाफ किस प्लेयर को चांस देना चाहिए। इस लिहाज से ये गेम ऑफ स्किल ही है। हमारे नेशनल सिलेक्टर्स के पास कुछ स्किल हैं तभी उन्हें टीम बनाने का काम मिलता है। इतना ही नहीं, ड्रीम 11 के फाउंडर्स ने बहुत सारे टेस्ट भी चलाए हैं जो मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं कि यह गेम ऑफ स्किल है। इससे भी जरूरी बात यह भी है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार और हाई कोर्ट ने 5 बार इनके केस को प्रूफ किया है कि ये गेम ऑफ गैम्बलिंग या बैटिंग नहीं है, ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है जो भारत के संविधान से प्रोटेक्टेड है। यूट्यूब पर लाखों ऐसे वीडियोस हैं दोस्तों जो स्टॉक की तरह खिलाड़ियों की एनालिसिस करते हैं। अब आइए जानते हैं कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है और ये कंपनी की कमाई कैसे होती है। ड्रीम 11 यूजर्स को दोस्तों एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां आप दोस्तों या दूसरे लोगों के साथ खेल सकते हैं, पैसे भी आप लोगों के बीच ही रहेंगे। इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है, कंपनी बस 10-15% प्लेटफॉर्म ही लेती है। जी हाँ, और यही इनका रेवेन्यू का सोर्स है। इतना ही नहीं, ड्रीम 11 की खासियत ये है कि ये अपने ऐप पर कोई एड नहीं देता है। जैसे कि ये गेम है स्पोर्ट्स लवर्स का, इसलिए ये अपनी मार्केटिंग भी इसी को देखकर करते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसे किसी सेलिब्रिटी को रखते हैं जो फैंस को पसंद आए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हार्दिक पांड्या के फैन हैं, कुछ लोगों को रोहित शर्मा या ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह पसंद है। इसलिए अलग अलग प्लेयर्स से ऐड करवाने से सारे फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को रिलेट कर पाते हैं। जी हाँ, और ये ड्रीम 11 की बेहतरीन स्ट्रेटेजी साबित होती है। लेकिन ऐसे में आज जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहीं ड्रीम 11 के लिए कंपटीशन क्या बढ़ गया है? क्योंकि 15 साल पहले जब ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो ये अकेले थे, 7 साल तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। आज इस सेक्टर में 300 कंपनियां हैं दोस्तों, और हर कंपनी स्पोर्ट्स के फैंस को एजुकेट कर रही है कि ये सेक्टर क्यों अच्छा है और क्यों मजेदार है। इससे पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ये अच्छा भी है और नुकसान भी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। क्या आप भी ड्रीम 11 पर कोई गेम खेलते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।